आप देख रहे हैं दखल न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने दिया केंद्र सरकार को झटका, सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला रद्द। सवर्णों को आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन बिल पेश, बिल को बसपा, कांग्रेस, आप और एनसीपी ने दिया समर्थन। एनपी प्रजापति विधानसभा अध्यक्ष विरोध में बीजेपी विधायकों का राजभवन मार्च। पुलिस वालों ने छतरपुर में किसान को जमकर पीटा, मार मार कर बनाना चाहते थे चोर। और एम्बुलेंस के लिए रुका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का काफिला, वीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं बघेल। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो में काफी समय से चल रहे विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तकड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सीबीसी के फैसले को पलटते हुए आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला रद्द कर दिया। इस फैसले के साथ ही ये साफ हो गया कि आलोक वर्मा सीबीआई के चीफ बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को कानून के तहत सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ सेलेक्ट कमेटी के पास ही अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई पावर सेलेक्ट कमेटी में प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में नेता विपक्ष होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये कमेटी एक हफ्ते के भीतर वर्मा पर कार्यवाही पर फैसला ले। इस दौरान आलोक वर्मा कोई भी नीतिगत फैसला नहीं लेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि आगे से ऐसे बड़े मामलों में उच्च स्तरीय कमेटी ही फैसला करेगी। इस मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि कोर्ट ने सरकार और सीबीसी के फैसले को पलटते हुए सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को पद पर बहाल करने का फैसला सुनाया है। साथ ही प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सीजीआई वाली उच्च स्तरीय कमेटी के पास ये मामला भेजने को कहा है। ये कमेटी एक सप्ताह के भीतर इस पर फैसला लेगी। केंद्र ने सवर्णों को आर्थिक आधार पर शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने से जुड़ा 124वां संविधान संशोधन बिल मंगलवार को सदन में पेश किया। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने इसे पटल पर रखा। इस बिल को बसपा, कांग्रेस, आप और एनसीपी ने समर्थन देने की बात कही, उधर डीएमके ने इसका विरोध किया। सवर्णों के आरक्षण संबंधी बिल को केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने पटल पर रखा। इससे पहले बसपा प्रमुख मायावती ने कहा सवर्ण आरक्षण के प्रस्ताव का उनकी पार्टी समर्थन करेगी। लोकसभा चुनाव से पहले लिया गया फैसला हमें सही नीयत से लिया गया नहीं लगता है। इस बिल के बारे में आपको बता दें कि इस बिल के बाद आरक्षण 49.5 से बढ़कर 59.5% हो जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय कर रखी है। भाजपा का वोट बैंक मानी जाती रही सवर्ण जातियां आरक्षण की मांग करती रही हैं। जनरल कैटेगरी में सवर्णों के अलावा मुस्लिम और अन्य धर्म के लोग भी शामिल होंगे। आरक्षण के लिए परिवार की अधिकतम सालाना आय 8 लाख रुपये तय की गई है। माना जा रहा है कि सरकार ने यह कदम SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटे जाने से नाराज सवर्णों को लुभाने के लिए उठाया है। इसका खामियाजा पार्टी को हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता गंवाकर भुगतना पड़ा था। संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों के 67% सांसदों का समर्थन जरूरी है। लोकसभा में एनडीए के 59% जबकि राज्यसभा में 36% सांसद हैं। यानी सरकार के लिए अपने दम पर बिल पास कराना नामुमकिन है। कांग्रेस, आप, एनसीपी ने भी इसे समर्थन देने की बात कही है। कांग्रेस ने विधानसभा में माइंड गेम खेला और कांग्रेस विधायक एनपी प्रजापति को मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया। प्रजापति को 120 वोट मिले, वहीं विपक्ष ने वॉकआउट के कारण विपक्ष में कोई वोट नहीं पड़ा। इससे पहले चुनाव की प्रक्रिया के दौरान जमकर हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर प्रोटेम स्पीकर ने नियम 5 का हवाला देकर बिना वोटिंग के एनपी प्रजापति को विधानसभा अध्यक्ष घोषित कर दिया। इस पर भाजपा ने हंगामा शुरू कर दिया। इस पर सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। भाजपा ने वॉकआउट कर दिया। इसके बाद बसपा विधायक ने वोटिंग की मांग की तो प्रोटेम स्पीकर ने मत विभाजन करवाया। जैसा कि उम्मीद थी, मध्य प्रदेश विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ और प्रोटेम स्पीकर दीपक सक्सेना ने कांग्रेस विधायक एनपी प्रजापति को विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया।
प्रोटेम स्पीकर ने नियम 5 का हवाला देकर बिना वोटिंग के एनपी प्रजापति को विधानसभा अध्यक्ष घोषित कर दिया। इस पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक बिफर गए, क्योंकि उनकी तरफ से विजय शाह अध्यक्ष पद के दावेदार थे। गर्मा गर्मी में भाजपा ने वॉकआउट कर दिया। इतने में बसपा विधायक ने वोटिंग की मांग की तो प्रोटेम स्पीकर ने मत विभाजन कराया और एनपी प्रजापति को 120 वोट मिल गए। प्रोटेम स्पीकर के फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज का दिन लोकतंत्र के लिए काला दिन है। इस बार हमारे साथ मौजूद है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो जिन्होंने भी वॉकआउट किया है, जिनके उसमें अध्यक्ष पद का चुनाव होना था और वॉकआउट हुआ है। आज बात करते हैं लोकतंत्र की हत्या के विरोध में। हम लोग निकले स्पीकर के चुनाव में, लोकतंत्र का गला घोटा गया है। क्यों ऐसा कांग्रेस डर गई क्या प्रोटेस्ट कराने से? मना इसके अतिरिक्त इसका दूसरा अर्थ हो ही नहीं सकता। तो अब अगला कदम क्या होगा? ये निर्वाचन अवैध है, इसको रद्द होना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का साफ कहना है कि जो ये कांग्रेस कर रही है तानाशाही है, एक प्रकार की तानाशाही है। ये नियम के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है। वो राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं अपने विधायकों के साथ। अब देखना ये होगा फिर से फ्लोर टेस्ट में होना बाकी। हालांकि कांग्रेस ने अपना विधानसभा अध्यक्ष चुन लिया है, एनपी प्रजापति को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। कैमरामैन तरुण यादव साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव जी। बात करते हैं क्या किस बात पे लेकर के नाराजगी है? चुनाव नहीं होने दिया नेता प्रतिपक्ष का, उसका विधानसभा अध्यक्ष का। आपको जानकारी है एक ही व्यक्ति के चार प्रस्तावकों के नाम पढ़ दिए, उसको घोषित कर दिया निर्वाचित। जो हमारे द्वारा विजय शाह जी को किया गया, उनका नाम ही नहीं पुकारा गया जो पांचवें नंबर पर था। तो क्या प्रोटेस्ट से कांग्रेस डर गई थी? निश्चित रूप से सामने आज पूरा खुल गया है राज। आगे की रणनीति और क्या रहेगी? गवर्नर के पास जा रहे हैं, उनको बताएं। तो वहाँ क्या रखा जाएगा प्रस्ताव अपने, क्या रखा जाएगा, क्या करने? ये बताएंगे उनको, गवर्नर हमारे एक संवैधानिक मुखिया है, उनको बताएंगे और जो कुछ भी इसमें होगा वैधानिक प्रावधान उसी अनुसार आएगा। कांग्रेस का मुख्यमंत्री जी का बोलना है कि बीजेपी डर गई, बीजेपी ने वॉकआउट किया है। बीजेपी हम क्यों डर गए? यदि हम तो कह रहे थे ना कि हमारा नाम पढ़ो चुनाव करा। वॉकआउट होने के बाद कांग्रेस ने उन्हें अपना, ये तो जानते थे कि अभी निकल गए हैं तो अपन करा लो। पहले वंदे मातरम को लेकर सियासत जारी थी, अब विधानसभा अध्यक्ष के पद को लेकर सियासत जारी है। मंत्री विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव जी का बोलना है कांग्रेस डर गई, कांग्रेस ने फ्लोर टेस्ट नहीं कराया है, अब हम विधानसभा की ओर प्रस्थान ले रहे हैं जहां हम राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपेंगे इस बारे में कि क्यों फ्लोर टेस्ट नहीं कराया गया। ये असंवैधानिक है और ये नियम के खिलाफ है। फिलहाल देखना ये होगा कि अध्यक्ष पद पर अभी कौन विराजमान होगा। हालांकि कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष चुन लिया है, एनपी प्रजापति को अपना अध्यक्ष बनाया है। कैमरामैन तरुण यादव साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। सदन से वॉकआउट करने के बाद शिवराज सिंह ने आरोप लगाया कि हमारा प्रत्याशी विजय शाह के नाम को प्रस्तावित करने का अवसर नहीं दिया गया। विरोध में भाजपा विधायकों ने विधानसभा से राजभवन तक पैदल मार्च निकाला। सभी विधायक मार्च करते हुए विधानसभा बिरला मंदिर रोड से मालवीय नगर होते हुए राजभवन पहुंचे। भाजपा विधायकों ने राज्यपाल से मिलकर इस मामले में अपना विरोध दर्ज करवाया, लेकिन इतना सब होने के बाद कांग्रेस ने साफ किया कि सब कुछ नियमों के हिसाब से हुआ है। लोकतंत्र में कुछ नियम और कायदे हैं, सदन उन्हीं नियम कायदों से चलता है। हमारे नेता ने सदन में पूरी गरमा बनाने के लिए और उनके साथ तालमेल बनाने का माननीय कमलनाथ जी ने पूरा प्रयास किया। हमारे संसदीय मंत्री ने दो बार मुझसे बात की कि आपको कोई तकलीफ है, कोई है, बैठ के बात करो, पर उन्हें मालूम था कि बहुमत उनके पास नहीं था तो उन्हें अध्यक्ष लाना ही नहीं था ना। भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास रहा है और जिस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों में इन लोगों ने जो भी संसदीय प्रणाली है उसका जो उपहास इन लोगों ने उड़ाया है और जिस प्रकार से एक तानाशाही, एक ऐसा अलोकतांत्रिक तरीका जो इन्होंने हर चीज में अपनाने की कोशिश और प्रयास किया है, मैं समझता हूँ कि आज का जो दिन है ये मध्य प्रदेश की जो जनता है वो जनता भारतीय जनता पार्टी को कभी माफ नहीं करने वाली है। और जिस प्रकार से इनका जो रुख रहा है, पिछले कई वर्षों में ये पहला अवसर होगा, लगभग 52 सालों के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर कि अध्यक्ष के लिए चुनाव हुए हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा में। मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहला मौका था जब विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर
दोनों दल आमने सामने थे और चुनाव की स्थिति बनी, लेकिन यहाँ भी राजनीति ऐसी हुई कि संसदीय परंपरा का किसी ने भी ख्याल नहीं रखा। मध्य प्रदेश में सरकार बदलते ही पुलिस के तेवर भी बदल गए हैं। कमलनाथ के राज में छतरपुर जिले के बाजना थाने में एक किसान को जमकर पीटा गया। इस मामले का खुलासा होते ही बड़े अधिकारियों ने दो पुलिस वालों को लाइन भेजकर मामले को दबाने की कोशिश कर दी। कमलनाथ सरकार किसान हितैषी होने का दम भर रही है। वहीं कमलनाथ सरकार की पुलिस ने किसान को लॉकअप में बंद करके जमकर पीटा। पुलिस ने बेरहमी से किसान को इतना पीटा कि उसके शरीर पर जगह जगह पुलिसिया जुल्म के निशान बन गए हैं। इस किसान बाल किशुन यादव का मार मार कर इतना बुरा हाल कर दिया गया कि यह ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। हमारे साथ साफ जा घटना भाई, हमारी भी चोरी भाई चाल तीन लोगों की और भी भाई, और हमने उनसे कहा कि हमारी भी भाई, तो भी बोली तुम्हारी चोरी नहीं भाई। तीन चार बार उन्होंने हमारी पूछ जाँच की, और कल हम खेत से आ रहे थे, अचानक आके हमारे दौरे में पुलिस वाले आए, बोले चलो थाने में। हम गए साहब गेट लगा के, वो इतनी धुनाई करी साहब के हमारा शरीर करिया पर है साहब अभी भी। मामला उजागर होने के बाद पुलिस अधिकारियों के हाथ पैर फूलने लगे और आनन फानन में दो आरक्षकों अंकित उपाध्याय शुभम मिश्रा को लाइन अटैच करते हुए महिला थाना प्रभारी ऋतु उपाध्याय को थाने से हटा दिया गया। किसान के साथ हुई मारपीट के मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के हाथों में सौंपी गई है। एक व्यक्ति के साथ में मारपीट का मामला संज्ञान में आया है, इसमें दो आरक्षकों को पुलिस लाइन में अटैच किया गया है। थाना प्रभारी जो ट्रेनी है उनका कार्यकाल वहाँ पूरा हो गया था, उनको भी वहाँ से वापस बुला लिया गया है। दरअसल बाजना में 15 दिन पहले राज किशोर उपाध्याय के घर चोरी हुई थी और चोरी के शक में पुलिस ने बाल किशुन यादव को पूछताछ के लिए थाने बुलाया और कैदखाने में बंद करके लाठियां भांजनी शुरू कर दी और चोरी का आरोप अपने ऊपर लेने का दबाव बनाया। मगर किसान ने चोरी का आरोप अपने सिर नहीं लिया तो पुलिस ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। पुलिस ने किसान बाल किशुन पर धारा 151 के तहत मामला दर्ज करते हुए जमानत पर छोड़ दिया। पुलिस के चंगुल से छूटते ही किसान ने पुलिसिया जुल्म की दास्ता को उजागर कर दिया। वीआईपी कल्चर को खत्म करने में जुटे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मिसाल पेश की है और एम्बुलेंस के लिए अपने काफिले को रुकवा दिया, एम्बुलेंस के लिए जगह दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने उस बयान को बिलासपुर में सच साबित किया जिसमें उन्होंने कहा था कि एम्बुलेंस या इमरजेंसी वाहन के सामने आने पर उनका काफिला रोक दिया जाएगा। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ भवन के पास एक एम्बुलेंस गुजर रही थी, तभी मुख्यमंत्री का काफिला वहां से गुजर रहा था। अचानक मुख्यमंत्री का काफिला रुका और एम्बुलेंस के जाने के बाद उनका काफिला आगे बढ़ा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को सरगांव के पास अनुरागी धाम के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बिलासपुर पहुंचे। सीएम को लेकर उनका काफिला नेहरू चौक के छत्तीसगढ़ भवन पहुंच ही रहा था कि एक एम्बुलेंस आ गई और सीएम भूपेश बघेल ने अपना काफिला रुकवा दिया। केंद्र सरकार के मोटर व्हीकल एक्ट में परिवर्तन करने के प्रयासों व अन्य श्रम कानूनों में किए जा रहे संशोधन के खिलाफ सभी केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने आह्वान पर देश के सभी मजदूर कर्मचारी दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं, जिस कारण कई जगह वाहन नहीं चले और श्रमिकों ने प्रदर्शन किया। ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मोर्चा मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के विरोध एवं अन्य मुख्य मांगों के निराकरण के लिए राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर है। केंद्र सरकार के मोटर व्हीकल एक्ट में परिवर्तन करने के प्रयासों व अन्य श्रम कानूनों में किए जा रहे संशोधन के खिलाफ सभी केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर यह हड़ताल है। जी, हमारी यूनियन जो है वो किसी समूह या किसी संस्था के खिलाफ नहीं है, बस हमारी मांग ये है कि हमें हमारे हक दे दिए जाएं। हमारी जो सैलरी केंद्र गवर्नमेंट से तय है वो हमें दी जाए, हमें महीने में 4 छुट्टी दिए जाए और हमारा जो है बोनस हमें टाइम पे तनख्वाह के साथ दिया जाए, और आगे भी जो है जैसे वीकली आप वगैरह जो है उसका भी प्रावधान हमें 4 छुट्टियों के साथ दिया जाए। बस हमारी इतनी ही मांगे हैं और अगर हमारे हक हमें दिए जाएंगे तो हम शांतिपूर्ण जो है पूरा संचालन में सहयोग करने का जो है समर्थन करते हैं। संगठनों के लोगों ने संत हिरदाराम नगर के सीओ नाका स्थित डिपो पर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि हमारे अधिकारियों द्वारा हमें डराया धमकाया जा रहा है, हालांकि इस हड़ताल का कोई ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। इधर छतरपुर में नए परिवहन नीति के खिलाफ आज बस कर्मचारी यूनियन हड़ताल पर है।
हड़ताल की वजह से छतरपुर बस स्टैंड से चलने वाली सभी बसें बंद हैं, जिससे यात्री परेशान हो रहे हैं। छतरपुर बस स्टैंड से करीब 500 बसें संचालित होती हैं। हड़ताल की वजह से सभी बसें बंद हैं, जिससे सैकड़ों की तादाद में यात्री परेशान रहे। बस कर्मचारियों का कहना है कि जो बस चलाने के केंद्रीय परिवहन विभाग नियम बनाते हैं, उससे बस चलाने के लिए लाइसेंस लेना कठिन हो जाएगा। आज ये हड़ताल केंद्र सरकार ने कंडक्टर ड्राइवरों के विरुद्ध परिवहन नीति, जो नई परिवहन नीति लागू की है, उसके विरोध में हम लोग आज एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर हैं। समस्त जिले में आज लगभग 500 यात्री बसें संचालित नहीं होंगी। हमारी केंद्र सरकार से ये मांग है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत जो परिवहन नीति बनाई गई थी वही लागू रहे, और जो वो नई नीति परिवहन सुरक्षा नीति को लाए हैं उनको जो है उसका हम विरोध कर रहे हैं। यहाँ से काम कर पाए दिल्ली से, हाँ हाँ, 2 घंटे के हो गए बैठे। कोई क्या परेशानी आ रही है? गाड़ी नहीं मिल रही। कितने लोग आपके साथ हैं और सामान भी है, क्या क्या है? 3 आदमी हैं और कितना सामान है। तो अब कैसे जाओगे यदि कोई बस साधन नहीं मिलता है तो? जाना तो क्यों नहीं, ये बसें चल रही हैं, कुछ पता चला है आपको? जो आए हैं 2 घंटे हुआ है, अभी बताया है आदमी ने कि अभी बस बंद है। बैंक में पैसा जमा करवाने जा रहे एक व्यक्ति की आंख में मिर्च पाउडर डालकर उसे लूट लिया गया। इस घटना के बाद कुछ चौकन्ना लोगों ने 2 लुटेरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। राजनांदगांव में कोतवाली थाना क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक के पास आंखों में मिर्ची का पाउडर डालकर 3 लुटेरों ने एक व्यक्ति के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। ये लुटेरे भागते इससे पहले कुछ लोगों ने 2 लुटेरों को धर दबोचा, लेकिन एक लुटेरा फरार हो गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। लूट का शिकार हुआ व्यक्ति बैंक में पैसे जमा करने जा रहा था। सुबह 12:30 लगभग शांत कुमार साहू अपने त्रिपुति मेडिकल के पैसे को लेकर SBI की मेन ब्रांच में कंपनी लाइन में जमा करने जा रहा था। उस समय पीछे से एक लड़का जो चौखड़िया पारा में ही निवास करता है, इन लोग पहले से प्लानिंग बना के त्रिपुति मेडिकोज के एक लड़के के द्वारा इस घटना की जानकारी उनको आपस में मिलकर पहले प्लान बनाए जो उनका वर्कर है, फिर वो पीछे से आके उस व्यक्ति की आंखों में मिर्ची पाउडर छींटा और उसके हाथ का बैग लेके भागने लगा। उसी समय उस व्यक्ति ने उसका पीछा किया और चिल्लाया कि चोर 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 पकड़ो पकड़ो, तो वहाँ इसकी पब्लिक ने उसको पकड़ा और लाके थाने में सुपुर्द किया। इजी बेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर भोपाल में सेमिनार का आयोजन किया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सैनिटरी संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना था। इजी बेल कंपनी के तत्वाधान में भोपाल में महिलाओं के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया। आयोजन में महिलाओं को सैनिटरी पैड से होने वाली समस्याओं के बारे में बताया गया। एक सर्वे के मुताबिक 70% महिलाओं में होने वाले कैंसर की वजह अनहाइजेनिक सैनिटरी पैड ही है। आजकल इंडिया में लेडीज की अगर हम ये बात करें तो यूटेरस कैंसर और सर्वाइकल इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और उसके विषय में बहुत सारे लेडीज़ को अभी तक उनके ही हेल्थ के बारे में वो अनअवेयर है, जो कि आजकल लेडीज़, आपको भी अंदाज़ा है कि आजकल लेडीज़ सिर्फ घर में नहीं रहती, तो वो जॉब और प्लस घर का भी उनका काम होता है। तो करीबन 70-80% लेडीज़ को ऐसे ही विटामिन की कमी ऑलरेडी है, उसमें कैंसर का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। पिछले 10 साल में करीबन 2 गुना ये रेट हो चुका है, और इसके पीछे उनकी हेल्थ अवेयरनेस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भोपाल में हम सैनिटरी पैड्स का अवेयरनेस और हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर उनको एजुकेशन सेशन हर मंथ लगभग इसी डेट को भोपाल में होता है। इजी वेल लाइफ साइंस में हम लोग 1 साल से काम कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, फुल न्यूट्रिशन है, पूरा आयुर्वेदिक है सारा फार्मूला, और लेडीजों के लिए हम स्पेशली काम कर रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे हमारे प्रोडक्ट हैं जो लेडीज को हेल्थ से रिलेटेड है और हेल्थ में काफी उनको बेनिफिट है, और एक हमारे पास सैनिटरी पैड है जिसके ऊपर हम ज्यादा वर्क कर रहे हैं। सैनिटरी पैड से शायद जो अभी प्लास्टिक का जो चल रहा है मार्केट में जो अवेलेबल है, उससे कितनी सारी बीमारियां हैं, शायद हेल्थ रिपोर्ट में ये कन्फर्म हो चुका है कि जितनी लेडीजों को प्रॉब्लम है वो सैनिटरी पैड्स से हैं,
तो हमारे पास एक फुल मतलब कॉटन बेस और हाइजीनिक प्रोडक्ट है और भारत स्वच्छता अभियान के तहत इसको लोगो भी मिला है और उसी के ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लेडीज इसे यूज करें और कई बीमारियों से बच सकें वो लोग। कंपनी का कहना है कि जो सैनिटरी प्रोडक्ट मार्केट में है उनमें से अधिकतर प्लास्टिक के हैं जो कि कैंसर का कारण बनते हैं। सेमिनार में महिलाओं को हाइजीनिक सैनिटरी प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की सलाह महिलाओं को दी जाती है। शराब पीकर अपने स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करना एक पुलिस अधिकारी को महंगा पड़ गया। दंतेवाड़ा के TI राजेंद्र यादव को कई शिकायतों के बाद पुलिस अधीक्षक ने लाइन अटैच कर दिया है। दंतेवाड़ा कोतवाली के TI राजेंद्र यादव को अपने स्टाफ के साथ बदतमीजी करना महंगा पड़ गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने TI को लाइन अटैच कर दिया है। थाना प्रभारी राजेंद्र यादव शराब के नशे में अपने स्टाफ के साथ थाने में बदतमीजी करते हुए गाली गलौज करते थे, जिसकी वजह से थाने का पूरा स्टाफ TI राजेंद्र यादव से परेशान था। लगातार 5-6 महीने से थाना प्रभारी कोतवाली के खिलाफ शिकायत आ रही थी कि वो शाम को देर रात शराब का सेवन करने के बाद नापाक को बैठते हैं और निचले स्टाफ के साथ और जो थाने में बाहर से लोग आते हैं उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। माननीय DGP महोदय ने जो कहा है कि जो नीचे के पुलिसकर्मी हैं उनके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या फिर जो थाने में बाहर से जनता आती है उनके साथ यदि बोलचाल अच्छा नहीं रहेगा तो उसको जो है टॉलरेट नहीं किया जा सकता। एक महिला पुलिसकर्मी ने TI यादव के दुर्व्यवहार से परेशान होकर SP को शिकायत भी की थी, जिसकी जांच चल रही है। फिर TI का कांस्टेबल को गाली गलौज करने वाला ऑडियो वायरल हुआ। ऑडियो वायरल होते ही TI पर तुरंत कार्रवाई हुई और उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।